हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता वालू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मैलवेयर के बारे में कि मैलवेयर क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये काम कैसे करता है, और सबसे अहम सवाल ये कि इससे बचे कैसे। अगर आप स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट यूजर है तो आपको मैलवेयर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप मैलवेयर के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैलवेयर का फुल फॉर्म मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे स्मार्टफोन या कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मैलवेयर एक तरह का वायरस होता है जो किसी दूसरे के कंप्यूटर से डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है, जैसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स हो सकता है। अगर एक बार आपके कंप्यूटर में मैलवेयर घुस गया तो आपके डेटा को डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, चोरी कर सकता है या फिर आपके कंप्यूटर को लॉक कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये मैलवेयर आते कहां से हैं? क्या ये अपने आप बनते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मैलवेयर आपके कंप्यूटर में कई तरह से आ सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं तो कभी कभार पायरेटेड मूवीज, सॉफ्टवेयर, गेम्स, फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आ जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर पायरेटेड मूवी डाउनलोड करने पर वायरस आ जाता है, लेकिन हाँ, चांसेस बना रहता है। और स्पैम ईमेल के जरिए भी वायरस आने का खतरा रहता है। और अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन जैसे सीडी, डीवीडी या फिर पेन ड्राइव से अगर आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, जो ऑन ऑन सोर्स है, जैसे किसी का भी पेन ड्राइव लगा लिया अपने सिस्टम में, तो वहां से भी वायरस आने का खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि क्या मैलवेयर अपने आप बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैलवेयर अपने आप नहीं बनते हैं, बल्कि इसे बनाया जाता है। बनाने वाले लोग ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो हमेशा इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ब्लैक हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा गैर कानूनी काम करते हैं, जो बिना इजाजत के किसी के भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना, किसी के भी कंप्यूटर को हैक कर लेना, वाईफाई पासवर्ड, किसी के भी अकाउंट्स को हैक कर लेना, या फिर वो लोग जो एटीएम फ्रॉड होते हैं। दोस्तों, एटीएम फ्रॉड से याद आए कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि एटीएम फ्रॉड से कैसे बचे, हैकर्स कौन कौन से तरकीब अपनाता है, वो सारी की सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि मैलवेयर एक तरह का वायरस होता है जो हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर नेटवर्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं वायरस के हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले वायरस नाम किसने रखा था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वायरस नाम फ्रेड कोहेन ने 1985 में रखा था। अब बात आती है कि सबसे पहले नेटवर्क पर फैलने वाला वायरस कौन सा था। जैसे अभी इंटरनेट पे बहुत सारे वायरसेस फैले हुए हैं, ठीक उसी तरह सबसे पहले नेटवर्क पर फैलने वाला वायरस क्रीपर था, जो कि सन 1970 में अर्पानेट के नेटवर्क पर फैला था। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब आप सोचेंगे कि अर्पानेट क्या है? तो बेसिकली ये एक यूएस डिफेंस मिलिट्री का एक स्टेशन था जहां पर एक नेटवर्क बनाया गया था जिसमें सबसे पहले क्रीपर नाम का वायरस फैला था। उसके बाद क्रीपर नाम के वायरस को पकड़ने के लिए एक एंटीवायरस बनाया गया जिसका नाम था रीपर। याद रखें, क्रीपर वायरस था जो कि सन 1970 में अर्पानेट के नेटवर्क पर फैला था, फिर इसे पकड़ने के लिए रीपर नाम का एंटीवायरस बनाया गया। रीपर किसने बनाया? बॉब्स थॉमस ने। और दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि सबसे पहले पीसी पर फैलने वाला वायरस अल्कुलनर था, जो कि रिचर्ड स्क्रिंटा ने सन 1982 में बनाया था। दोस्तों, ये सब वायरस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर फैलने वाले हो गए। ठीक उसी तरह एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ओपन सोर्स है। इस पे भी सबसे पहला वायरस फैला था जिसका नाम था बिस, BISS। ये वायरस सन 1997 में बनाया गया था। अब हम बात करते हैं मैलवेयर के टाइप्स के बारे में। तो मैलवेयर तीन टाइप्स के होते हैं, वायरस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स।
ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मतलब ये तीनों अलग अलग तरीके से आपके कंप्यूटर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस को आप यूं समझ सकते हैं जैसे इंसान के शरीर में वायरस फैलते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर फाइल्स के माध्यम से वायरस फैलते हैं। वो वायरस फैलने के बाद हमारे कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या फिर सॉफ्टवेयर रहते हैं उसको करप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई फाइल है, एक्सेल की हो या फिर वर्ड की, अगर उस फाइल में वायरस आ जाता है तो वो वायरस क्या करेगा, उस फाइल को डैमेज करेगा। अगर आप उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे वो फाइल ओपन नहीं होगा बल्कि एग्जीक्यूट हो गया और फैल जाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा जैसे हमें पिंपल्स होता है, उसे अगर हम दबाते हैं वो क्या होता है और बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के किसी भी फाइल्स में अगर वायरस आ जाता है तो उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं वो वायरस और क्या होता है, फैल जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट फाइल के साथ साथ पूरे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को ही डैमेज कर दे। अब हम बात करते हैं वायरस सॉफ्टवेयर को कैसे डैमेज करता है। देखिए जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तब इंस्टॉलेशन की जो फाइल होती है वो सारी की सारी सी ड्राइव में जाती है पर्टिकुलर फोल्डर में जहां से सिस्टम उसको रन करता है एग्जीक्यूट करके। अब होता यह है कि सिस्टम में जहां मेन फाइल पड़ी होती है वायरस उसी मेन फाइल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने इंपॉर्टेंस फाइल्स को ढूंढता है लिंक करने के लिए, वो उसको नहीं मिलता है इसलिए स्टार्ट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं होता है और एरर आ जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए सांप, अगर सांप को मारना है तो कहां मारते हैं, डायरेक्ट मुंह पे मारते हैं ताकि वो जल्दी मर जाए। ठीक उसी तरह वायरस सॉफ्टवेयर के इंपॉर्टेंस फाइल्स को ही डैमेज कर देता है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं रहता है। दोस्तों दूसरी कैटेगरी होती है वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स क्या करते हैं, वो खुद को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब खुद को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई एक वॉर्म आ गया तो वो वॉर्म क्या करेगा, एक से दो, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, चौंसठ से 128, 128 से 256, 256 से 512, ये फैलते जाएगा। मतलब इसमें ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई एक वॉर्म आ गया तो वो वॉर्म आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, मतलब हजारों की मात्रा में कॉपीज बना देगा, जिससे आपका रैम जाम हो जाएगा, हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा, ओवरऑल आपके प्रोसेसर का जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगा, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरीके से स्लो हो जाएगा। अगर आप उस फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करके रखते हैं तो वहां पे भी वॉर्म अपना रंग दिखाने लग जाएगा, ओवरऑल उस सिस्टम को भी पूरी तरह से स्लो कर देगा। अब हम बात करते हैं ट्रोजन्स की, कि ट्रोजन्स क्या होते हैं। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं तो शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए अननोन साइट पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर में इतने सारे वायरस मिले हैं, इसे हटाने के लिए जल्दी से इस एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लीजिए, और ऐसे में इंसान हड़बड़ा जाता है और इंस्टॉल कर लेता है। आपको बता दें कि वो कोई एंटीवायरस नहीं होता है बल्कि एक ट्रोजन्स होता है जो भेष बदलकर सॉफ्टवेयर के रूप में दिखते हैं। दोस्तों ये याद रखें कि एंटीवायरस ही नहीं बल्कि एंटीवायरस के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे मेमोरी क्लीनर, स्पीड बूस्टर या फिर फोटोशॉप एडिटर या वीडियो एडिटर भी हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। और ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एक बार आ गया फिर आपके सिस्टम में जो फायरवॉल की प्रोटोकॉल्स है, आपके सिक्योरिटी सिस्टम की जो पॉलिसीज बनी हुई है, उन सभी को चेंज कर देता है, जिससे हमारे सिस्टम की जो बैकडोर होती है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद हमारे सिस्टम में कोई भी वायरस, चाहे वॉर्म्स हो, ट्रोजन से, कोई भी वायरस आसानी से आ सकता है, जिससे हमारा पर्सनल डेटा, बैंक अकाउंट डिटेल्स बैकडोर के माध्यम से चोरी हो सकती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कुछ ऐसे मैलवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं, इस मैलवेयर का नाम है रैंसमवेयर। शायद आपको पता नहीं होगा कि 2017 में 74 देशों के कंप्यूटर पे रैंसमवेयर अटैक किया गया था और कंप्यूटर पूरी तरह से लॉक हो गया था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, उस पे सिर्फ डिस्प्ले पे सिर्फ एक ही मैसेज शो हो रहा था कि अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक को ओपन करके बिटकॉइन की रकम जमा करें, और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। ये सबसे बड़ा अटैक था उस टाइम का। दोस्तों अगर आप इन फ्रॉड लोगों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे अटैक्स
आपके कंप्यूटर पे ना हो तो सबसे पहले आपको एक एंटीवायरस रखना चाहिए, पेड एंटीवायरस, फ्री वाला नहीं। फ्री वाला कोई काम का नहीं रहता है, कोई काम नहीं करेगा बल्कि और नुकसान ही करेगा, क्यूक हिल हो या फिर अवास्ट का हो, लेकिन पेड होना चाहिए। और ये याद रखें कि किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। जब आप किसी वेबसाइट पे सर्व करने जाएं तो पहले ये देखें कि वो ट्रस्टेबल है या नहीं। और ये याद रखें कि किसी का भी पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में ना लगाएं, पहले ये देखें कि आपके लैपटॉप में एंटीवायरस है या नहीं। याद रखें, पेड एंटीवायरस, फ्री वाला नहीं। और ऐसे किसी एड्स पे क्लिक ना करें जो ये कहता हो कि आप इतने रुपए का इनाम जीत सकते हैं, आपका कंप्यूटर फास्ट हो सकता है, आपके कंप्यूटर में मैलवेयर है, इसलिए इस एंटीवायरस को इंस्टॉल कीजिए। याद रखें, हरगिज भी ऐसी गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो दिल से पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।